ये कमरा हमारा है। अक्षय, अक्षय, अक्षय देखो ना, हम इतने अमीर हो गए, ये घर, ये कमरा हमारा है, इतने अमीर हो गए हम। तुम तो बहुत परेशान थी, दुखी थी, अचानक इतनी खुशी काहे हो रही है बाबू? वो एक माँ को उसका बेटा मिल गया, भाग तो खुशी की है ना, फिर हम दुखी क्यों होंगे? हमको ना सब समझ में आता है रितु, दिमाग चलता है हमारा, मेंटल पीस नहीं है हम। वो जो तुम क्या बोल रही थी पहले कि एक औरत है, हाँ वो हमारी मम्मी बनने का नाटक कर रही है। हमारा घर, हमारा घर नहीं है, हमारा घर यहाँ है पटना में। हम डॉक्टर हैं, तुम पेशेंट हो, सब सब क्लियर हो रहा है हमको। डॉक्टर ना अभय है, हम नहीं। तुम अभय से प्यार करती थी, हमें अभय समझ के तुमने हमसे शादी किया। तुम्हारा हमारा ना कोई रिश्ता नहीं है, झूठी हो तुम। नहीं 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 अक्षय, ऐसा ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि हमने अभय समझकर तुमसे प्यार किया, लेकिन बस नाम से अभय जानते थे, हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं। जिससे हम मिले, जिससे जिससे टकराए, वो तुम थे। जिसकी पर्सनैलिटी हमें अच्छी लगी, जिससे हमें प्यार हुआ, वो तुम थे। तो रितु, हमको ना बातों को गोल 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 घुमाना नहीं आता है। हमारा ना दिल टूटा है, हमको तो दुख इस बात का है कि तुमने हमको कोई और समझ के हमसे प्यार किया। तुमको ना हमारी शक्ल से मतलब था ना। ठीक है रितु, हम भी ना ये सोच चुके हैं कि हम भी यहीं रहेंगे, इसी घर में, इसी छत के नीचे, इसी कमरे में, लेकिन पति पत्नी बन के नहीं, अजनबी बन के, समझी? अरे रहने दो ना अजनबी, क्या फर्क पड़ता है? तुम ना बस पैसा से मतलब रखो, हाँ? और हाँ रितु, सुनो, ध्यान देना कि अक्षय बाबू घर से जाने ना पाए। पुलोमनन का लड़का गंगा को स्वीकारा नहीं है अभी तक। वो मेहमान कमरा में पड़ी हुई है। वो डॉक्टर गंगा को अपने बाजू तक में खड़ा नहीं होने देता है, तो समझ लो रितु, सही मायनों में तुम हो उस घर की बहू। अक्षय है तो बहुत अच्छा, पर अभी नाराज होके चला गया। हमको ना प्यार भी है उससे, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे का हुआ जो पति पढ़ा लिखा नहीं है? पैसा तो है ना उसके पास, हा? और तुम अपना ही अपना कहे जा रही हो, माँ की कोई चिंता है तुमको? हम कितना थक गए यहाँ काम करते करते, बाप रे, आदत नहीं है ना हमको। और आजकल के जमाना में बाई भी कितना महंगी हो गई है, पूरा काम वो गंगा करती थी, हमने तो कभी किया नहीं है। बेटा तुम ना एक काम करो, गंगा को वहाँ से भगाने का रास्ता खोजो। ये काम हमें करने की क्या जरूरत है, ये तो वो लोमड़न ही कर देगी ना मम्मा। बस तो हो गया सब सपना पूरा। उस लोमड़न से हम जितना बदला लेना चाहते थे ना अपना बेइज्जती का, हम ले चुके हैं। और वो डॉक्टर लोमड़न का लड़का शादी के बाजार में सेकंड हैंड बन चुका है। तुम गंगा को वहां से भगाओ और अपना राजपाट संभालो। अब रितु, और बाद में ना अपना अगल बगल में हमको भी एक प्लाट दिला देना। ओके बाय मम्मा। ठीक है बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।